अस्सलाम वालेकुम। आज हम देगलूर नाके के हैदरबाग इस रोड पर आए हुए हैं। यहाँ पर देगलूर नाके परिसर में कहीं जगह ऐसी देखने में आती है कि जहाँ गंदगी है, रास्तों पे खड्डे हैं और जो रास्ते पे मेन जो हैवी व्हीकल है, जो गाड़ियाँ हैं वो रोडों पे लगाए हुए हैं, और कहीं शादी खाने हैं वो भी जो है यहाँ पर इलीगल तरीके से बने हुए हैं बगैर परवानगी के, और उनको पार्किंग नहीं है। और उसके अलावा देगलूर नाका भी नांदेड़ में आता है और ये यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, तो यहाँ पर भी ज़रा आपने ध्यान देना चाहिए कि नांदेड़ के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, गाड़ियाँ रास्ते पे लगाए जाते हैं कि जितनी तकलीफ़ होती है लोगों को रात में, क्यों तो ये दादागिरी करते हैं, और जितने भी शादी खाने हैं वो उनके भी वहाँ पर जो है तो मनमानी है। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक दवाखाना है, वहाँ पर आँच लगी थी, वो कचरा उठाने का। और यहाँ पर जो है कि यह शादी खाना है, ये हैदर फंक्शन हॉल है, हैदर फंक्शन हॉल के बाजू में मेन रोड पे इस तरीके की गंदगी है। और यही अगर से गंदगी शिवाजी नगर पे या श्रीनगर पे होती है तो किस तरीके से वहाँ पर साफ़ सफाई की जाती है। यहाँ पर गड़ा होता है तो आठ आठ दिन, चार चार दिन जो है रास्ता बंद हो जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जानवर है, और ये जो जानवर है ये कचरा खा रहे हैं, और ये कचरा ये उठाया नहीं जाता, और यहाँ पर किसी लीडर को भी ये नहीं दिखता। यहाँ पर आप खेलते हैं, यहाँ पर कचरा जले हुआ है, तो यहाँ साफ़ सफाई होती कि नहीं? नहीं होती, यहाँ की साफ़ सफाई करना चाहिए। यहाँ पे बहुत बदबू आती है, ये पानी यहाँ का बोले तो यहाँ का पानी पूरा यहाँ पे आ जाता है, पूरी बहुत बदबू आती है, यहाँ का साफ़ करना चाहिए। स्कूल है, स्कूल में ज़रा बीमारियाँ के चांसेस रह सकते हैं। कितने दिनों से, कितने बच्चे खेलते हैं यहाँ, कब से खेलते हैं? बहुत दिनों से खेलते हैं बच्चे, यहाँ का गंदगी बहुत है, हरी है बीमारी, वहाँ पे दारू के शीशियाँ, पानी पूरा जमा हो रहा है, गंदा पानी, गंदे जानवर आ रहे हैं। यहाँ गार्डन बनना चाहिए यहाँ पे खेलने के लिए, बच्चे गिर रहे गंदे। यहाँ हमें खेलने के लिए गार्डन अच्छे से चाहिए, और ये गंदगी को भी साफ करने कर दो, और ये पानी बहुत जमा हो रहा है, और यहाँ कांच के बोतला फूटे आले पैरों को चुभ रहे हैं, और ये कचरा गंदगी से बंद को चुभे, बच्चों का पैर कट गया। स्कूल में है ये? हम ये स्कूल में है। क्या होता है, गंदगी बो आती है? यहाँ पे बो आती है दो तीन बार वगैरह, तो सांप भी निकल चुका है, बच्चों को काटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे गार्डन बनना चाहिए, यहाँ पे बाथरूम ये बनना चाहिए। अभी है कि नहीं तुम संडास बाथरूम ये स्कूल में? अभी स्कूल में है, लेकिन बोले तो लड़कों को जाने नहीं देते, बाहर आके करने देते। ये जो आँच लगी थी इससे गंदगी बो आती कि नहीं है? बहुत आती है, बीच में आँच लगी थी यहाँ पर। सर भी कहते हैं कि यहाँ पे बोले तो कचरा बिचरा साफ करना चाहिए गवर्नमेंट को बोल के। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, हमने जिस तरीके से बच्चों की मुलाकात ली उन्होंने बताया है कि किस तरीके गंदगी में वो स्कूल पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो शादी खाने हैं ये पूरे इलीगल शादी खाने, इसकी पार्किंग नहीं है, और गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं। इधर मेरे साथ आइए, कि देगलूर नाका का बड़ा रोड है जो 80 फीट का रोड बताया जाता है, मगर रात के टाइम ये रोड है तो सिर्फ 10 फीट का होता है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देगलूर नाके में कुछ लीडर है जो अपने आप को आमदार की दावा करते हैं और आमदार बनने का ख्वाहिश रखते हैं, मगर इन लीडरों के वार्डों में, इनके घरों के सामने, इनके प्रभागों में इस तरीके से यहाँ पर खड्डे हैं, जो आठ आठ दिन जो है रास्ता बंद रहता है, और रास्ते में किस तरीके से गाड़ियाँ लगाई हुई है, और रोडों पर ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से देखा है कि देगलूर नाके की हमने हालात बताई थी। ये तो मेन रोड है, तो मेन रोड पर यह हाल है, तो इसका मतलब अंदर जो गलियाँ हैं, जो पाकिस्तान नगर हो, हिलाल नगर है, जिस तरीके से मिलत नगर है, वहाँ पर किस तरीके से गंदगी है ये भी हम जज बताएंगे, क्यों तो कई लोगों के हमें फ़ोन आते हैं मिलत नगर से कि मस्जिदों के बाजू में, मस्जिदों के सामने ये चोरों ने गट्टू के पैसे खा गए, और वहाँ पर मस्जिदों के पास भी जो है तो गट्टू नहीं डाले, और उसका मस्जिद के पास गंदगी है। ऐसा मिलत नगर के अंदर कई जगह जो किस तरीके से गंदगी का हाल है, और ये देगलूर नाके का मेन रास्ता है जहाँ से पूरे माजी महापौर, माजी उप महापौर, माजी सभापति, ये पूरे जो लोग जाते थे, मगर इनको नहीं दिखाई देता है। ये जस शिवाजी नगर पे या श्रीनगर पे ऐसा गंदगी हाल रहा तो एक घंटे में वहाँ साफ किया जाता है, मगर देगलूर नाके पे क्यों नहीं, क्यों तो यहाँ पर इंसान रहते हैं, वहाँ पर कौन रहते ये पता नहीं है। मगर हमारे साथ में ये सोशल वर्कर है, इनसे जानते क्या है। मैं तो मेरा कहना ये है कि आज देगलूर नाके के एरिए में सब अपने आप को एकदम पावरफुल लोग, जो पॉलिटिकल लोग है, मैं समझता हूँ कि श्रीनगर, आसरा नगर,
उधर तो भी है कि नहीं, मेरे हिसाब से उतने पावरफुल नेता नहीं होंगे। हमारे पास इतने पावरफुल नेता रहने के बाद गंदगी साफ नहीं हो सकी तो इन्हों आगे क्या काम करेंगे, इसका हाल क्या होगा मालूम। कितने लोग यहाँ पे तकलीफ में जी रहे, आज कचरे का मसला, पानी थोड़ा पीने के लिए गंदा आ रहा, ये असल मुद्दे ये है। आजकल क्या है, आलतू फालतू में जो खाली लड़ना, और कोई लीडर ने आज तक कोई अगर से गुनहगार को और कोई अगर से गंदा काम करने वाले को ये लोगों ने रोके नहीं कभी कि आप ऐसा मत करो बोल के। जिस तरीके से देखने में आता है कि देगलूर नाके पे ये रोड पर काफ़ी ट्रैफिक होती है, शादी खाने हैं, ये इनके रास्ते पे गाड़ियां लगे हुए हैं, ऐसा है सिस्टम पूरा ख़राब है, शादी खाने सिस्टम जो है कि नहीं, असल यहाँ सिस्टम क्या चीज़ है मालूम ही नहीं, और किसकी क्या जवाबदारी है, महानगर पालिका की जवाबदारी नगर पालिका वालों को मालूम नहीं है, लीडर लोगों की जवाबदारी लीडर लोगों को नहीं मालूम है, यहाँ पे असल जिम्मेदार कोई है नहीं है। ये एरिया है पूरा लावारिस, जितने भी फंक्शन हॉल है ये रोडों पर गाड़ी खड़े रह रहे क्या, ये नगर पालिका ने ये किसी का भी काम हो यहाँ पे अतिक्रमण करना चाहिए। देखो फायदा वो होना चाहिए जिसके अंदर लोगों की सुविधा हो, आप ऐसी सहूलत फराहम करो और ऐसी सहूलत दो कि लोगों को तकलीफ ना हो सके, और लोगों के मसाइल को समझो, लोगों की तकलीफ को समझो। आज जाके देखो मिल्लत नगर के अंदर हाल, हमजा मस्जिद के पास उधर गाड़ेगांव रोड पे पानी आने के बाद कितना पानी जमा होता और कितना घर में लोगों के पानी घुसता, ये कोई नहीं देखता, बस खाली प्रचार के लिए लगे वाले हैं। अमदार के टिकट देख रहे हैं, आप सोच रहे लोग। देखो मैं पब्लिक से मेरा आह्वान ये है कि आमदार खासदार ये धंधा बन गया ला है ये, कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ और खाली चुप तो भी अपने इस्लाम के मुद्दे उठाओ और वोट बैंक बढ़ाओ। मैं पब्लिक से ये बोलता हूँ कि आप वोट देने से पहले बच्चे के भविष्य को और इस देश के झंडे को ज़रूर देख लेना कि इसकी हिफाजत कौन कर सकता और कौन अपने को सहूलत ये दस्तियाब कर सकता, ऐसे आदमी को चुन के लाओ। मैं कुछ पॉलिटिकल कोई मेरा पार्टी नहीं है, सिर्फ मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट चलाता हूँ, काम करता हूँ। सुल जिस तरीके से आपने कहा है कि भाई मिल्लत नगर का होगा, लक्ष्मी नगर हो, हर जगह जो है गंदगी है, पर ये रोड जहाँ बने आई वहाँ रोड बनाते हैं, जहाँ रोड नहीं है वहाँ बनाते हैं, तो ये गुत्तेदारों को समझना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कैसा है, अगर से एकदम ख़राब रोड रही तो उसको ज़्यादा पैसे लगते हैं, अब ये अच्छी रोड है उसको थोड़ा थुक्का पॉलिश कर दिए तो पूरा बिल मिलता ना। हाँ सब कैसा है, पूरा पैसे के लिए चढ़ रहा पूरा सिस्टम बहुत ख़राब है, सिस्टम में कोई जान नहीं है। ये यहाँ पे पेशेंट को जाने का रहा तो कैसा, कुछ नहीं, उन्हें रास्ते में दम तोड़ देता आने और जाने का, ये लोगों ने शाडी नहीं रखे। आज मेरे को बोलो कोई भी पॉलिटिकल जो भी लीडर के घर के सामने आज रोड देखो कैसी है, और आम पब्लिक की रोड देखो। देखो मैं जनता को ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं किसी को चढ़ाना उतारना मेरा काम नहीं है, सच्चाई बयान करना मेरा काम है। आज जाके देखो तुम हर लीडर के घर के सामने रोड एकदम ऐसी बनी हुई है कि तुम ऐसा एयरपोर्ट रोड है, और हमारे आज देखो गरीब लोगों के घरों के सामने रोड़ा कैसे है, नाली बरोबर 8 दिन 15 दिन में 10 बार लोग बोलते हैं, उन्हें एक बार आता निकालने के वास्ते। असल कैसा है लोग कचरा ये इसमें बीमारी में मर जाने वाले, कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। लोगों से मेरा आह्वान है कि आप अच्छे लोगों को चुनो और अच्छा कैंडिडेट चुन के लाओ, चाहे कोई भी पार्टी का रहें दो, ये वक्त सोच के वोट डालने का है।